हेलो दोस्तों, आप सबको इन्फोटेक अमीन चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी जहां सहारा में निवेश किए हैं, जो भी निवेशक वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा नहीं मिल रहा है। जो भी पोर्टल पे अप्लाई किए थे, उसमें 90% ऐसे निवेशक हैं जिनका स्टेटस में डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड शो हो रहा है। इसके चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे उसके नाम को मिसमैच बता रहा है, सिग्नेचर को मिसमैच बता रहा है, मेंबरशिप को मिसमैच बता रहा है, ज़्यादा रकम वाले को बैंक स्टेटमेंट या तो ITR मांग रहा है, या उन लोगों को उस समय याद नहीं आया था जिस समय पोर्टल निकाला गया था कि बैंक का स्टेटमेंट भी देना है या तो उसका ITR भी देना है। जब 3-4 महीने जब समय गुजर गया तो उन लोग को याद आया। छोड़िए, अब ये सब रीज़न को जानकर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम लोग को क्या करना है, उसको फिर से रिसबमिट करना पड़ेगा। जो भी उसका डिफिशियंसी का रीज़न है, उसको हम लोग को फिर से अच्छे से भर के चेक करके देना पड़ेगा। और इसको मैं डेट भी इसमें बता दूंगा, कितना का रिफ़ंड पाने वाले कितने तारीख से उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। 95% को देखिए, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आ गया है, इसमें ITR और ये सब मांग रहा है, तो इसके लिए अभी हम लोग देना है। आप वो वाला रिसबमिट का साइट ओपन करेंगे, मैं उसका वेबसाइट लास्ट में बता दूंगा। रिसबमिट का साइट ओपन करेंगे तो आपका ऐसा खुल कर आएगा, CRC सहारा रिफंड पोर्टल रिसबमिशन, ठीक है, ब्रैकेट में रिसबमिशन आ जाएगा। इसमें ऐसा है, डिफिशियंसी कोड या डिस्क्रिप्शन इस प्रकार का इसमें आएगा। तो यहाँ क्या लिख रहा है, डिपॉजिटर लॉग इन फॉर रिसबमिशन विथ है टोटल क्लेम अमाउंट अप टू 10,000। सिर्फ अभी 10,000 वाले ही इसको रिसबमिशन में लॉग इन करें। 10,000 से ऊपर वाले को कब लॉगिन करें, तो उसके बारे में यहाँ आपको बिल्कुल डिटेल से बताया गया। यहाँ देखते हैं, ध्यान से एक बार देखिए। फेज 1 में जिसका 10,000 रुपया तक का है, सिर्फ वही डिफिशियंसी जिनका कम्युनिकेटेड आ गया है, वो 7 नवंबर 2023 से वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे। सभी अप्लाई करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है और हैंग हो जाएगी साइट। सेकेंड फेज में किसका आएगा, जिसका 10,000 से ऊपर और 20,000 से कम रहेगी, उनको 17 नवंबर 2023 से अप्लाई करना है। थर्ड फेज में उसके लिए सभी एलिजिबल है, जिसका जो भी छूट गया हो और जिसका 20,000 से ऊपर, चाहे 5, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, सब है इसमें। इसका डेट कब है, 27 नवंबर 2023 से आगे इसको करना है। इसमें आपको जो पुराना पोर्टल पे अप्लाई किए थे उसी का इसमें लगेगा CRN नंबर, क्लेम रिक्वेस्ट नंबर इसमें आप डालना है यहाँ पे, और उसके बाद इसमें कपासे डालेंगे तो आपका वो पुराना वाला निकल के आ जाएगा, उसको फिर से सबमिट करना है, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे लाइक ज़रूर करें, नए व्यूअर्स है, रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करना है।